हाय फ्रेंड्स, मैं अनिमेश एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आप ही के फेवरेट शो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे नंबर 4 से कुछ नए आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं 4। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? तो चलिए 4 को हम एक्सटेंड करते हैं। पहले यहां से एक्सटेंड करेंगे इतना, और नीचे से ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इस पॉइंट से बिल्कुल यहां से यहां तक जितना है, यहां से बिल्कुल यहां तक भी इक्वल होना चाहिए हमारा, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए अब यहां से हल्का सा यहां तक एक्सटेंड करते हैं और ऊपर लेते हैं इस पॉइंट के हाइट तक। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब नीचे वाला लाइन करते हैं ज्वाइन, और इसको भी यहां से एक्सटेंड करते हैं और यहां से एक्सटेंड करते हैं, नीचे हल्की सी यहां तक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इन दोनों को हम जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊपर का दो पॉइंट है इसको भी हम जॉइंट करेंगे। देखिए, हो गया। चलिए इसको हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं इस डायरेक्शन में। चाहे तो आप डॉटेड लाइन यूज कर सकते हो, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि वो लाइन कितना एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए इस लाइन को फाइनलाइज करते हैं। तो देखा दोस्तों, क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक हट। तो हट में हम एक डोर ऐड करते हैं और साथ में दो विंडोज। तो चलिए, ठीक है, ओके, अब यहां से लाइन एक्सटेंड करते हैं और यहां से भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहां पे कुछ बुशेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे आउटलाइनिंग विथ स्केच पेन। तो ले लीजिए अपने अपने स्केच पेन। ठीक है दोस्तों, अब कुछ डिटेल ऐड करते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ लाइंस, बिल्कुल सीधे हाथों से और आराम आराम से, एकदम रिलैक्स होके ड्राइंग करना है। ठीक है, ओके, हाँ। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे रब। पेंसिल के जो लाइन्स हमें दिख रहे हैं उसको हमें हल्के हाथ से रब करना है। ठीक है, तो ले लीजिए इरेजर। ओके बच्चों, कर लिया आपने? तो चलिए सामने से देखते हैं कि हमारा ये हट कैसा लग रहा है। ये देखिए, तो देखा बच्चों कैसे नंबर 4 से हमने क्रिएट किया है एक प्यारा सा हट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 से क्रिएट करते हैं कुछ नए आर्टवर्क। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, लिखते हैं एक छोटा सा क्यूट सा 4। ओके, अब यहां से हम ऐसे दो कर्व लाइन से इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐसे घुमा के लाएंगे।
और ऐसे कर्व लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करते रहिए मेरे साथ। फिर यहाँ से हम और एक ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे कर्व लाइन, और यहाँ पर भी हम इस तरीके से कर्व लाइन लाएंगे, लेकिन हम इन दोनों लाइन को ज्वाइंट नहीं करेंगे। यहाँ से हम ऐसे यू की तरह एक शेप बनाएंगे, और यहाँ से ऐसे करके कर्व लाइन में को यहाँ तक ज्वाइंट करें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम दो ऐसे लाइन लेंगे, और इसके पीछे भी बिल्कुल ऐसे ही और एक बार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करेंगे एक आई, बिल्कुल इसी तरीके से, और इसके ऊपर ऐसे कुछ ड्रॉ कर देंगे। हाँ तो बच्चों, आपको तो ये शायद पता चल ही गया होगा कि ये क्या बनने जा रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने, आप लोग बहुत समझदार हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम ऐसे कर्व लाइन करेंगे, और फिर इसके अंदर अंदर और कर्व लाइन करेंगे। इससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम एक्चुअली में इसका विंग क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए आप भी बनाइए। ओके, यहाँ पे और एक राउंड लेंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे से बॉल, कुछ डॉट्स लगा देते। ठीक है, अब आता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कुछ डिजाइन करते हैं। ऐसे एक ही बार में आपको कर्व बनाना है। हाथ को घुमाइए धीरे धीरे, और चाहे दो बार में भी आप कर सकते हो। तो बच्चों, मजा आ रहा है आप लोगों को? ओके गुड, चलिए कीजिए, और बहुत ही एंजॉय करके ड्राइंग कीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ करते रहिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसे लाइंस हम क्रिएट करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब करते हैं स्केच पेन से इसके लाइनिंग। तो ले लीजिए अपना अपना स्केच पेन। बच्चों, देखा आपने कैसे फोर से हमने बनाया एक हैंड। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और इरेजर से जो पेंसिल की लाइन है उसे रब करते हैं। तो ले लीजिए अपने अपने इरेजर्स। ओके दोस्तों, कर लिया आपने। चलो अब हम देखते हैं कि ये बना कैसे। ये देखिए, बनके तैयार है हैंड। तो बच्चों, देखा आपने कैसे फोर से बन गया मुर्गा और हट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बनाते हैं एक कमाल के चीज जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। ओके देन स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं फोर, लेकिन बहुत ही क्यूट और छोटी। अब हम पेज को घुमा देते हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है ये। यहाँ से हम फोर को ऊपर की तरह एक्सटेंड करेंगे, और इधर से भी एक्सटेंड करते हैं, जरा इसको और ज़रा एक्सटेंड करते हैं, और इसको भी हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम एक पॉइंट लेते हैं, और अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे। हाँ तो बच्चों, आप लोग गैस तो कर ही चुके होंगे कि ये क्या बनने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एक कर्व लाइन लेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ओके, क्या बन गया ये, काइट है ना, और काइट अब सबको बहुत ही पसंद है। तो
तो चलिए काइट में हम एक ऐसे पूंछ लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं स्केच पेन से आउटलाइन। तो बच्चों अब आगे हम क्या करने वाले हैं, जो पेंसिल के लाइन है उसे हम इरेज करेंगे। तो चलिए ले लीजिए इरेजर और इरेज करते हैं। तो देखा बच्चों कैसे बन गया फोर से एक काइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपका काइट बनके तैयार है। तो बच्चों आप नंबर से ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं ना, गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नंबर फोर से और एक आर्ट वर्क। ओके लेट्स ट्राई। तो बच्चों पहले तो हम फोर लिखते हैं। चलिए मेरे साथ साथ बनाते रहिए। यहां से हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ओके अब बिल्कुल यहां से हल्की सी कर्व करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम हल्के से एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट से भी हम ऊपर की तरफ एक स्लंट लाइन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे जॉइंट कर देते हैं। फिर हम यहाँ से एक लाइन लेंगे और नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अब बनाते हैं एक सर्कल और यहाँ पे भी लगाते एक छोटी सर्कल, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे और एक लाइन लेते हैं और इसके पीछे और एक सर्कल बनाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रायंगुलर शेप बन जाता है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे बॉक्सेस लगा देंगे एक के बाद एक। बना लिया आप लोगों ने। चलिए अब यहाँ पे हम और एक चीज ऐड करेंगे। देखिए कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे एक डॉट लीजिए और ऐसे एक लाइन इतना तक हम लेंगे। फिर बिल्कुल ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ तक भी हम बिल्कुल इस लाइन के नीचे नीचे और एक लाइन लेंगे, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हम नीचे की तरफ ऐसे कर्व करता हुआ यहाँ तक जॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर और एक ओवल शेप ऐड कर देते हैं। तो बताओ बच्चों क्या है ये? ये हो गए एक एरोप्लेन जो ऐसे उड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम करते हैं स्केच पेन से इसके लाइनिंग। तो चलिए उठा लीजिए अपना अपना स्केच पेन। ओके बच्चों तो अब क्या रहता है? अब रहता है पेंसिल लाइन को इरेज करना। तो चलिए इरेजर लेते हैं और हल्के हाथ से पेंसिल लाइन को इरेज करते हैं। तो देखा बच्चों कैसे हमने नंबर फोर से बना लिया है एक क्यूट सा एरोप्लेन। चलिए सामने से देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए बनके तैयार है आपका एरोप्लेन। तो बच्चों देखा आपने आज कैसे हमने नंबर फोर से बनाया है हट, एक मुर्गा, एक काइट और ये
एरोप्लेन। तो बच्चों अगले एपिसोड में नंबर 5 के साथ हम क्रिएट करेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग आर्टवर्क। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें।